हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फाइव टाइम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ये है, कंप्यूटर स्क्रीन पर सीमांत उत्पाद वक्र उल्टे डैश के आकार का होता है। ए एक्स, बी डब्लू, सी वी, डी यू। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी यू। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तेरा अगला प्रश्न, जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ए निम्न स्तरीय वस्तुएं, बी सामान्य वस्तुएं, सी पूरक वस्तुएं, डी स्थापन वस्तुएं। बताइए दोस्तों, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। वीडियो को शेयर करें दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट सेक्शन में हर प्रश्न का उत्तर दें। और इसका सही उत्तर होगा सी पूरक वस्तुएं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। ए केंद्रीय, बी राज्य, सी विश्व या फिर डी समवर्ती। बताइए दोस्तों कि सूची 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। और इसका सही उत्तर है बी राज्य सूची। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। ए रक्षा मंत्रालय, बी लोकसभा, सी प्रधानमंत्री कार्यालय या फिर डी राज्यसभा। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। काउंट डाउन शुरू हो चुका है, उत्तर दीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका सही उत्तर होगा बी लोकसभा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला ये रहा क्वेश्चन, 16 अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोठियों के अनुसार डैश को ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहा जाता था। ए वेलनवागाई, बी ब्रह्मदेय, सी शालाभोग, डी देवदान। बताइए दोस्तों क्या बोलते थे, क्या उत्तर होगा इसका। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ब्रह्मदेय। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ही रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, पृथ्वीराज तृतीय का सबसे प्रसिद्ध शासक था। बताइए कहाँ का प्रसिद्ध शासक था। ए चौहान, बी गढ़वाल, सी चालुक्य या डी ब्राह्मण। बताइए दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय डैश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कहाँ का था। ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिए इसका क्या उत्तर होगा। ओ इसका सही उत्तर है ए चौहान। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ही रहा, भूदृश्य पर जल भवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले अक्षय को डैश कहते हैं। ए अपक्षय, बी संघर्षण, सी अपरदन, डी अपघर्षण। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के ज़रिए। और इसका सही उत्तर है सी अपरदन।
अब हम बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये है कंप्यूटर स्क्रीन पर। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और सत्ताधारी आते हैं, किस श्रेणी को निर्मित करते हैं? बताइए दोस्तों, ए स्पीशीज, बी जीनस, सी किंगडम या फिर डी फाइलम। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न भी आपके सामने है। काउंटडाउन ख़त्म होने से पहले इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और इसका सही उत्तर होगा डी फाइलम। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ही रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ए एनलिडा, बी हेलमिंथीज, सी आर्थ्रोपोडा, डी प्लेटी हेलमिंथीज। बताइए दोस्तों, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और इसका सही उत्तर है सी आर्थ्रोपोडा। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे आगामी परीक्षाओं में। अगले प्रश्न पर पढ़ते अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। किसी वस्तु की विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है। ए बढ़ती हुई, बी कम होती हुई, सी विपरीत, डी शून्य। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा, बढ़ती हुई, कम होती हुई, विपरीत या डी शून्य। और इसका सही उत्तर होगा डी शून्य। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है कंप्यूटर स्क्रीन पर। ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के नियम, केपलर के नियम, अवोगाड्रो के नियम या फिर डे मॉर्गन के नियम। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। ग्रहों की गति को बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, क्या उत्तर होगा इसका? इसका सही उत्तर बी केपलर के नियम। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश से हम चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। ए फॉन्ट कलर, बी टेक्स्ट कलर, सी चेंज कलर या फिर डी बैकग्राउंड कलर। बताइए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम पाठ्य का रंग कैसे बदल सकते हैं? बताइए दोस्तों पैराग्राफ का रंग कैसे बदलेंगे? कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए फॉन्ट कलर। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, डैश पदार्थ कहलाते हैं। ए खतरनाक, बी जोखमी, सी अदाय या डी ज्वलनशील। बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो ज्ञान प्राप्त कर सके इस वीडियो के माध्यम से। इसका उत्तर होगा डी ज्वलनशील। और अपनी तैयारी को एक अलग सतर पर ले जाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। बांग्लादेश में निम्न में से कौन सी प्रमुख नदी है जो गंगा की मुख्य शाखा नदी भी है? ए कोसी, बी पद्मा, सी गोमती, डी गंडक। बताइए दोस्तों गंगा की सहायक बांग्लादेश में। ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर होगा बी पद्मा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। धामेक स्तूप का निर्माण किसने किया था? ए अकबर, बी बाबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी अशोक।
बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा। डी अशोक। इसी चैनल पर पढ़ें और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं से आएंगे जीके के क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कंप्यूटर स्क्रीन पर, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी फ्रेडरिक पेटनिंग, सी जेम्स वॉट, डी एच एफ हॉपकिंस। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की या फ्लेमिंग ने या वॉट ने या हॉपकिंस ने, बताइए क्या उत्तर होगा। इसका सही उत्तर है बी फ्रेडरिक बेटिंग। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ए 5, बी 4, सी 2, डी 3। बताइए दोस्तों कितने पदक जीते थे भारत ने रियो ओलंपिक में। इसका उत्तर है सी 2, दो पदक जीते थे रियो ओलंपिक में। अब हम बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, बर्फ का गलनांक केल्विन में कितना होता है? ए 253.16, बी 263.16, सी 273.16, डी 283.16। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा कमेंट सेक्शन में। इसका सही उत्तर है सी 273.16। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, डैश HTML को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने के अनुकूल डिज़ाइन किए जाते हैं। बताइए दोस्तों HTML के डिज़ाइन कहाँ किए जाते हैं? ए ब्राउज़र, बी जावास्क्रिप्ट, सी SQL, डी स्ट्रिंग। बताइए दोस्तों HTML के डिज़ाइन ऑप्शन आपके सामने, उत्तर क्या होगा। यहाँ से आपको बैंक में, UPSC में, रेलवे में, SSC में, जितने भी एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया होती हैं यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका सही उत्तर है ए ब्राउज़र। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, डैश लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल और तथा मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, बताइए क्या बनाते हैं? ए जंग बनाते हैं, बी ओजोन बनाते हैं, सी स्टेनलेस स्टील बनता है, या डी बोरेक्स बनता है। बताइए क्या बनता है इनको जब हम मिक्स करते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू। और हाँ उस प्रोसेस का उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका सही उत्तर है सी स्टेनलेस स्टील। क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ही रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, डैश और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं? ए अभिलंब, बी स्पर्श रेखा, सी परावर्तित किरण, या फिर डी पृष्ठ। बताइए दोस्तों आपतन कोण किन के बीच का कोण होता है? आपतित किरण और ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में। इसका उत्तर होगा ए अभिलंब। रियल क्वेश्चन है ये सभी। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, डैश के कारण फर्श पर लू ढकने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। ए घर्षण, बी चुंबकीय बल, सी पेशीय बल, डी विद्युतीय बल। बताइए दोस्तों फर्श पर जो गेंद लुढ़कती है वो धीरे धीरे धीमे क्यों हो जाती है, कौन सा बल लगता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए घर्षण, बी चुंबकीय, सी पेशीय, या डी विद्युतीय। बताइए दोस्तों क्यों रुकती है गेंद। और इसका सही उत्तर है ए घर्षण। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ही रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, ब्रायोफाइटा पादप जगत में क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं पादप जगत में? ए स्तनपाई, बी रेंगने वाला जंतु, सी इंसेक्ट, डी जल स्थलचर। बताइए क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट बोलते हैं,
या क्रीपर बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसका सही उत्तर होगा डी, एम्फीबियन, यानी कि जल स्थलचर बोलते हैं हिंदी में। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। पृथ्वी की सबसे यांत्रिक परत क्रोड है, पता है, जिसकी त्रिज्या कितने किलोमीटर है? ए 500, बी 6500, सी 9500, डी 3500। बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी को एक अलग स्तर पर ले जा सके और अपनी नौकरी पक्की करें। इसका सही उत्तर होगा डी 3500। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। बताइए दोस्तों क्या निर्धारित करती है मृदा के गुणधर्म को? ए वनस्पति जात और प्राणी जात, बी समय, सी जलवायु, डी जनक सेल। बताइए दोस्तों मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर दीजिए इसका क्या होगा। और इसका सही उत्तर है डी, जनक सेल निर्धारित करता है मृदा के रासायनिक और संगठन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ही रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। ए साइमन कमीशन, बी रोलेट एक्ट, सी नमक एक्ट, या डी पीट्स इंडिया एक्ट। बताइए दोस्तों 1919 में कौन सा आंदोलन चलाया था, किसके विरुद्ध चलाया था? कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए किस एक्ट के खिलाफ जो है गांधी जी ने आंदोलन चलाया था 1919 में, उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, रोलेट एक्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ही रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी डैश सुल्तान बनी, कहाँ की बनी? ए रिहाना, कौन बनी? रिहाना, बी रुखसान, सी असीदा, डी रजिया। बताइए दोस्तों कौन थी इल्तुतमिश की बेटी, रिहाना थी, रुखसान थी, असीदा थी, या फिर डी रजिया थी? इसका सही उत्तर है डी रजिया। और कमेंट सेक्शन में ये बताइए इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। दिवालियापन और दिवाला भारत के संविधान की 7वीं सूची अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। बताइए दोस्तों ए केंद्रीय, बी राज्य, सी विश्व, डी समवर्ती। कौन सी सूची में है ये, उत्तर दीजिए। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्या उत्तर होगा कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आंसर ज़रूर दीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसका सही उत्तर होगा डी, समवर्ती सूची में आते हैं ये दिवालियापन और दिवाला। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। औसत उत्पाद वक्र उल्टे डैश आकार का होता है, ये बताइए दोस्तों। ए एक्स आकार का होता है, बी डब्ल्यू आकार का, सी वी आकार का, या डी यू आकार का। औसत उत्पाद वक्र बताइए उल्टे किस आकार का होता है, क्या उत्तर होगा इसका? बैंक पीओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसका सही उत्तर है डी यू, क्या है? यू। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ही रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? ए रे टॉम नेल्सन, बी जेम्स वो, सी विलियम टेलर, डी वाइट विलियम। बताइए दोस्तों हम नाम शुरू हो चुका है, उत्तर दीजिए। और थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था बताइए दोस्तों किसने किया था? ये किया था ए रे टॉमलिंसन ने। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में।
ईमानदारी रखिए, मेरे प्रति, मैं आपके प्रति रखता हूँ। धन्यवाद।